वोल्टस और हिटाची। दोस्तों, हमारे इंडिया की एसी इंडस्ट्री में ये दो नाम काफी फेमस हैं और इन दोनों ब्रांड्स का कंपैरिजन करके किसी एक विनर को चुनना काफी डिफिकल्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन दोनों ब्रांड्स के एसीज का एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रखूं और इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जिससे आप खुद डिसाइड कर सको कि इन दोनों ब्रांड्स में से आपके लिए कौन सा ब्रांड बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस गर्मी में एक एसी खरीदने की सोच रहे हो, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए क्योंकि इस वीडियो में कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। इन दोनों ब्रांड्स का एक कम्प्लीटली ऑनेस्ट कंपैरिजन करने की कोशिश मैं करूंगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के अंत में इन दोनों ब्रांड्स के एसीज के बारे में आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल का अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस से जुड़ी ऐसे ही कंपैरिजन और रिव्यू वीडियोस आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की ओर जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरे ब्लू स्टार वर्सेस डाइकिन वर्सेस पैनासोनिक वाले वीडियो में मैंने उन तीनों ब्रांड्स के तीन स्पेसिफिक मॉडल के एसीज का कंपैरिजन किया था। अगर आपने उस वीडियो को चेक नहीं किया तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं वोल्टस और हिटाची के ब्रांड्स को कंपेयर करूं, ना कि इन दोनों ब्रांड्स के किसी दो स्पेसिफिक मॉडल के एसी को। दोस्तों, इस कंपैरिजन में हम दोनों ब्रांड्स के एसीज के फीचर्स, नॉइस लेवल, ISWR वैल्यू, कूलिंग परफॉर्मेंस और बाकी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई भी एसी खरीदने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट को समझे, यानी कि आपके रूम के लिए कितने टन का एसी चाहिए या फिर कौन सा स्टार रेटिंग चाहिए या फिर कौन से कंपलसरी फीचर्स है जो एक एसी खरीदते वक्त आपको दिमाग में रखना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टॉप 5 एसीज ऑफ 2021 का लिंक दे दूंगा। अगर आप इन सारे पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अभी स्ट्रेट चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। सबसे पहले इन दोनों ब्रांड्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले वोल्टस की बात करते हैं। तो वोल्टस हमारे इंडिया की और वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है जो एयर कंडीशनिंग और कूलिंग टेक्नोलॉजी में स्पेशलिटी रखता है। ये कंपनी 1954 में बनी थी और तब से लेकर आज तक ये इंडिया के एसी मार्केट में छाया हुआ है और इंडिया के एसी मार्केट में 20-25% तक शेयर ये कंपनी रखती है। सो गाइस, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 70 साल से कंपनी काम कर रही है और इंडिया में एसी मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। अभी दोस्तों, हिटाची की बात करते हैं। तो हिटाची एक जापान की कंपनी है और 1910 में यह एस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन दोस्तों, हम हिटाची एसीज की बात करें तो सबसे पहले 1991 में कंपनी ने अपना सबसे पहला साइड थ्रो एयर कंडीशनर लॉन्च किया था और उसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक माइलस्टोन तय किया है और 1999 में इन्होंने इंडिया में अपना एसी ब्रांड लॉन्च किया और उसके बाद ये कंपनी भी इंडिया में छा गई और इंडिया के एसी मार्केट में ऑलमोस्ट 11% तक मार्केट शेयर एक कंपनी रखती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इन दो कंपनीज के बारे में। अभी देखते हैं कि ये दो ब्रांड्स अपने एसीज में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, जिन फीचर्स के लिए ये दो ब्रांड्स फेमस है, मैं उन फीचर्स को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप साइड बाई साइड देखकर खुद कंपेयर कर सको। सबसे पहले वोल्टस की बात करते हैं। दोस्तों, वोल्टस अपने लॉन्च किए हुए लेटेस्ट मॉडल्स में फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। हाई एम्बिएंट कूलिंग, मतलब ज्यादा गर्मी में भी एसी कंफर्टेबल कूलिंग देगा। इंस्टेंट कूलिंग, जिसके मदद से रूम को तुरंत ठंडा किया जा सकता है। एंटी माइक्रोबियल एयर फिल्ट्रेशन, जो रूम के एयर को फिल्टर करता है। और वोल्टस के कुछ एसीज में सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी भी होती है जो फिल्टर को बस एक स्विच के कमांड से ही खुद क्लीन करता है। 100% कॉपर, जो हर एक अच्छे एसी ब्रांड में होता है। ट्विन रोटरी कंप्रेसर टेक्नोलॉजी, CO2 रिडक्शन, जो रूम के अंदर के CO2 लेवल को कम करता है। 4-speed फैन फंक्शन, मतलब फैन के स्पीड को आप 4 डिफरेंट स्पीड में कंट्रोल कर सकते हो। और स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि इन सारे फीचर्स को आप वोल्टस के लेटेस्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसीज में ही देख सकते हो। तो जब भी आप एसी खरीदो, इस चीज का ध्यान रखना। अभी हिटाची के फीचर्स की बात करते हैं। ऑटो ह्यूमिड कंट्रोल, जो ज्यादा ह्यूमिडिटी होने पर भी बेहतरीन कूलिंग देता है। पावरफुल मोड और सुपर कूल मोड। पावरफुल मोड के जरिए आप रूम को जल्दी ठंडा कर सकते हो और सुपर कूल मोड भी सेम काम करता है, बट वो विंडोज एसीज में होता है। स्टेनलेस स्टील कोटेड फिल्टर्स विद आई क्लीन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हिटाची के लेटेस्ट एसीज में एक ब्रश दिया होता है और आई क्लीन टेक्नोलॉजी की मदद से
एसी फिल्टर को इस ब्रश के जरिए ऑटोमेटिकली क्लीन करता है। कॉपर कंडेंसर विथ एंटी कोरोसिव फिन्स, फोर वे स्विंग फंक्शन जो रूम के चारों कोने में कूलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा दोस्तों हिटाची के कुछ कुछ मॉडल्स में आईसी और आई सेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है जो रूम के अंदर कितने लोग हैं उसको सेंस करके जरूरत के अनुसार कूलिंग देता है। वाईफाई कनेक्ट का फीचर भी कुछ कुछ मॉडल्स में आपको देखने को मिल जाएगा जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन से ही एसी को कंट्रोल कर सकते हो। और कुछ हिटाची एसीज के मॉडल में बिल्ड इन हीटर्स भी होते हैं जो सर्दियों में रूम को गर्म करता है और स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं फिर आपको बता दूं कि यह सारे फीचर्स आपको हर एक मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा, प्राइस और लेटेस्ट लॉन्च के हिसाब से फीचर्स चेंज होते रहते हैं। अभी इन दोनों ब्रांड्स के नॉइस लेवल की बात करते हैं। दोस्तों वैसे तो मॉडल टू मॉडल नॉइस लेवल चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको कोई नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि नॉइस लेवल के मामले में वोल्टस बेहतर है क्योंकि हिटाची के कुछ मॉडल्स के इंडोर यूनिट के नॉइस लेवल को लेकर काफी कस्टमर्स के कंप्लेंट्स हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर एक एसी का नॉइस लेवल 40 डेसिबल से कम है तो बेस्ट है। अभी दोस्तों ISWR रेटिंग की बात करते हैं। ISWR रेटिंग जितना ज्यादा होता है एक एसी का एफिशिएंसी उतना बढ़ता है और बिजली का बिल भी उतना कम होता है। और दोस्तों इस पॉइंट पे हिटाची वोल्टस को बीट करता है क्योंकि हिटाची के एसीज का ISWR रेटिंग अप टू 6.1 तक जाता है, वही वोल्टस का एवरेज ISWR रेटिंग आपको 4.55 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली मॉडल टू मॉडल थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं बट एवरेज की अगर बात करें तो आपको यही फिगर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों इन दोनों ब्रांड्स के जितने भी इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस थे मैंने आपको बता दिए। अभी वोल्टस और हिटाची के इस कंपैरिजन में मैं आपके सामने कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन पॉइंट्स को देखने के बाद आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको इन दोनों में से कोई एक एसी चुनना है तो वो कौन सा होगा। दोस्तों पहला पॉइंट है कूलिंग परफॉर्मेंस। जब भी हम कोई एसी खरीदते हैं तो हमारा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होता है कि एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस कैसा है। एसी का अगर कूलिंग परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है तो उसको खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों बेहतरीन कूलिंग देने के मामले में हिटाची वोल्टस से थोड़ा आगे है। बाहर गर्मी अगर हद से ज्यादा भी हो तो हिटाची का एसी आपको रूम के अंदर एक बेहतरीन कम्फर्ट देने में नहीं चूकता। दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि वोल्टस के एसी का कूलिंग बुरा है। हमारे इंडिया की गर्मी में आपको बेहतरीन कम्फर्ट एक वोल्टस का एसी भी दे सकता है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर इन दोनों ब्रांड्स का कंपैरिजन किया जाए तो हिटाची बेहतर है। दूसरा पॉइंट है सर्विस। दोस्तों एक एसी को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए टाइम टू टाइम सर्विस करना भी बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आपका एसी हर वक्त एक जैसा परफॉर्मेंस दे, कभी ना कभी तो आपको टेक्नीशियन को बुलाना ही पड़ता है। सर्विसिंग की अगर बात करें तो हमारे पूरे इंडिया में वोल्टस का सर्विसिंग नेटवर्क जैसा फैला हुआ है, हिटाची का सर्विसिंग नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है। आप अगर मेजर सिटीज में रहते हो तो फिर आपको हिटाची के सर्विस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आप गांव में या फिर सिटी से दूर रहते हो तो जितना अच्छा वोल्टस का सर्विस आपको मिलेगा उतना अच्छा हिटाची का नहीं मिलेगा। और दोस्तों प्राइस की बात करें तो वोल्टस के एसी का प्राइस हिटाची से कंपैरेटिवली कम होता है। सबसे आखिर में अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो इस पॉइंट में वोल्टस हिटाची को बीट करता है, क्योंकि पहली बात तो वोल्टस का एसी आपको हिटाची से सस्ता पड़ेगा, ऊपर से अगर एसी में कोई प्रॉब्लम होता है तो वोल्टस का सर्विस चार्ज भी हिटाची से कम है, और अगर एसी का कोई पार्ट भी चेंज करना हो तो वोल्टस के सर्विस से वो काफी सस्ते में हो जाएगा। सो गाइस आई होप के इस कंपैरिजन से आपको एक क्लियर आइडिया मिला होगा कि आपके लिए कौन सा ब्रांड सही रहेगा। मेरे हिसाब से इस पूरे कंपैरिजन का बॉटम लाइन ये है कि अगर आप किसी मेजर सिटी में रहते हो और प्राइस और सर्विसिंग कॉस्ट आपके लिए उतना बड़ा फैक्टर नहीं है तो आप हिटाची का एसी ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप वैल्यू फॉर मनी चाहते हो तो वोल्टस का एसी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये थी हिटाची वर्सेस वोल्टस। आपको इन दोनों ब्रांड्स में से कौन सा पसंद है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में इन दोनों ब्रांड्स के एसीज का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन एसीज को चेकआउट कर सकते हो और खरीद भी सकते हो। और गाइस मेरे चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद है प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।